देहरादून में राज्य सरकार द्वारा मीट ऑन व्हील आउटलेट की शुरुआत कर दी गई है। पशुपालन और मत्स्य मंत्री रेखा आर्य द्वारा मीट ऑन व्हील्स कॉन्सेप्ट को विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस आउटलेट के जरिए दून वासियों को जहां एक ओर उच्च हिमालय क्षेत्रों का ताजा मीट और मछली मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर बकरी पालन करने वाली महिलाओं की आजीविका भी मजबूत होगी। कि जो पहाड़ों में जो बकरियां हैं उनका जो मटन मार्केट में आता है और जो महिलाएं जो बकरी पालन कर रही हैं अथवा भेड़ पालन कर रही हैं वो जब अपने बकरियों को बेचती हैं तो उनको क्या दाम मिलते हैं और आगे जो मटन के रूप में जो कन्वर्टेड होते हैं तब उनको क्या दाम मिलते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों की तरफ से एक प्रयास था कि क्यों नहीं जो कि पहाड़ी बकरियाँ होती हैं वह पूर्णतः एक तरीके से ग्रेजिंग के माध्यम से उनका पूरा खान पान रहता है, जिसके कारण से हमें कह सकते हैं कि वो मीट एक तरीके से ऑर्गेनिक मीट के रूप में हम कह सकते हैं, उसकी हम क्यों ना ब्रांडिंग की जाए। और इसको ब्रांडिंग करने के संकल्प के साथ में मैं समझती हूँ कि इसका एक उचित नाम जिसे कहना चाहिए हिमालयन गोट मीट, जो कि केवल पहाड़ी जनपदों से जो कि ग्रेजिंग के माध्यम से जिसमें मटन और दूध हमें दोनों चीज़ों की उपलब्धता होती है, तो उसको एक ब्रांडिंग का स्वरूप दिया गया है और जिसमें हमारी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो महिलाएं बकरी पालन कर रही हैं अथवा भेड़ पालन कर रही हैं जिनकी सहकारी समितियां हैं उन समितियों के माध्यम से जो फेडरेशन बना है वो फेडरेशन इस व्यापार को करेगा और साथ में उनको विपणन की व्यवस्था देगा। आज उसी की शुरुआत जो है हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हिमालयन गोट मीट के रूप में हम पहाड़ की बकरियों को सेल आउट करेंगे या उनके मटन को सेल आउट करेंगे, इसके साथ साथ में उत्तरा फिश जो हमारे पहाड़ की जो मछलियां हैं जिसमें कहूँगी कि हमारे ट्राउट फिश है या हमारे अन्य फिश हैं, चाहे वो पंगेसियस है या रोहू कतला नयन है, उसको हम किस प्रकार से लोगों के बीच में हम ला सकते हैं। हमने प्रयास किया कि मोबाइल फिश आउटलेट वैन के रूप में भी हम लोगों ने उसको देने का काम किया है, वो उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में भी अभी हमने जिसकी शुरुआत करी है उसको हम रॉ भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो एक प्रयास है कि हम अपने यहाँ पर पल रहे चाहे वो पशु हैं और चाहे वो हमारी मछलियाँ हैं उनकी ब्रांडिंग करते हुए लोगों तक उसको पहुँचाए, क्योंकि इसके मार्केट की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नीचे स्तर से जो हमारी महिला सहकारिता समूह बने हुए हैं उनको सीधा सीधा लाभ जो ये मिलने जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि देहरादून में पहाड़ के ताजा मीट और मछली को हिमालयन मीट के नाम से बेचा जाएगा, जिसकी डोर टू डोर डिलीवरी भी की जाएगी। कैसे हम आगे बढ़ाएंगे और अभी हमारी क्या स्थिति है? देखिए, वर्तमान में हम लोग ट्राउट को लेकर बड़े ही आशातीत हैं और ये बात सही है कि पूर्व में ट्राउट को लेकर लोगों में जानकारियां भी कम थी और ट्राउट को यदि पहाड़ी क्षेत्रों में यदि उसका उत्पादन होता था जहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह जो कि 4500 फीट से के हाइट में हो वहां पर ही ट्राउट मिलती थी, तो इसका प्रोडक्शन भी कम था और साथ साथ में लोगों को जानकारी भी नहीं थी, वो सामान्यतः फिश की तरह लेते थे। लेकिन जब हम इसको हम जब दिल्ली और या बाहर अन्य प्रदेशों में बेचते हैं तो ये पर केजी 1000 रुपये जाती है। जब लोगों को इस बात का संज्ञान दिया गया तो निश्चित रूप से लोगों में इस चीज़ का उत्पादन करने में उनका उत्साह भी बढ़ा और जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग को एक अलग विभाग अलग मंत्रालय दिया है उससे निश्चित रूप से एक मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी है, उसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रेसवेज बनाना, हैचरीज बनाना, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस में आ पाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे उत्तराखंड की डिमांड है उसको भी हम पूर्ण करेंगे और जो यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से अन्य प्रदेशों को भी जो है हम ट्राउट फिश जो है वो विपणन में उसका विपणन के स्वरूप में हम लेकर आएंगे। वहीं मत्स्य पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत राज्य सरकार ने भेड़ बकरी पालकों के लिए अलग से त्रिस्तरीय सहकारी ढांचा गठित किया है। इसमें लगभग 10,000 भेड़ और बकरी पालकों को संगठित किया गया है, जिससे भेड़ बकरी पालकों की आजीविका में सुधार होगा। पूरे कार्यक्रम को ये बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है और ये NCDC राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा फाइनेंस की जा रही एक बहुत बड़ी परियोजना है, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना। उसके अंतर्गत जितने हमारी स्थानीय उत्पाद हैं उसको फार्म से लेकर के फोर्क तक, खेत से लेकर के जो उपभोक्ता है उसकी थाली तक के लिए कंप्लीट वैल्यू चेन डेवलप की जा रही है। तो उसी के तहत जो हिमालयन गोट मीट है तो वो अपने आप में एक अच्छा ब्रांड है, लेकिन इसकी अभी ब्रांड वैल्यू डेवलप नहीं की गई है। इस पूरे परियोजना में हमने 10,000 जो भेड़ बकरी पालक हैं उनकी सहकारिता समितियां बनाई है और उनसे हम लोग एनिमल्स को प्रोक्योर करते हैं और हाइजीनिक तरीके से वो मीट बन करके हमारी कॉन्सेप्ट है मीट ऑन व्हील्स का,
तो जो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसकी आज उद्घाटन होने जा रही है, तो उसमें बकरा नाम के ब्रांड से बेची जाएगी। और ये एक छोटी सी शुरुआत है और बहुत जल्दी ये बहुत वृहद स्वरूप लेगा और इसको न केवल हम लोग पूरे उत्तराखंड में शुरू करेंगे बल्कि हम दिल्ली NCR तक भी ले जाने के। दरअसल इससे भेड़ बकरी पालन करने वाले छोटे बड़े व्यवसायियों को लाभ मिलेगा और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रदेश सरकार राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की शुरुआत कर दी गई है। इस परियोजना के तहत कृषि, भेड़ बकरी पालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे सेक्टर में सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।